हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करें हैं कि अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आप भी बिल्कुल नए हो और वीडियो एडिट करने नहीं आता है तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक डिटेल एडिटिंग के लिए होता है इनशॉट एप्लीकेशन से, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इनशॉट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिलता है, फोटो का ऑप्शन मिलता है, कॉलाज का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू का बटन दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी वीडियो है इस साइट में आ जाएगा, और यहाँ पे अगर फोटो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं वीडियो एडिट करना चाहता हूँ, मैंने वीडियो को रिकॉर्डिंग करके रखा है और मैं वीडियो को एडिट करूंगा, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे वीडियो यहाँ पे आ जाता है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अभी मेरा वीडियो का जो क्वालिटी है इस तरह से है। तो सबसे पहले जब आप वीडियो को ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपको फिल्टर देना है वीडियो में, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं फिल्टर दे देता हूँ, तो यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी अच्छा दिखे इसलिए फिल्टर को लगाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं फिल्टर को यूज करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और इसको भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसको भी मैं बढ़ा लेता हूँ, इससे काफ़ी अच्छा लाइट देता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ ताकि जो अक्षर है वो अच्छा से क्लीन दिख सके, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो अब काफ़ी चेंज हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मेरा वीडियो दिखेगा। अगर और भी यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इतना ही करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप जब वीडियो को चलाएंगे तो यहाँ पे आपको किस तरह से एडिट करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं वीडियो को चलाता हूँ, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हेलो फ्रेंड्स दो बार बोला है, तो यहाँ पे एक बार मुझे कट करना होगा। तो ये किस तरह से कट करेंगे ये आपको ध्यान से देखना होगा, तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, देख सकते हेलो फ्रेंड्स। तो सिंपली जब भी मैं हेलो फ्रेंड्स एक बार बोला हूँ वहां पे स्टॉप करके यहाँ पे कट करना होगा। तो मैं वीडियो को चला लेता हूँ, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, और इसको जो अभी हेलो फ्रेंड्स बोले उसको मैं काट कर हटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसको नहीं हटाना है, इधर वाला हटा देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन है सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एक बार हेलो फ्रेंड्स बोले वो हट गया है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं। अब मैं चलाता हूँ, देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपकी भी वीडियो में दो बार आवाज आता है तो आप एक को हटा सकते हैं काट कर। तो यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके जब बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप बार बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है रिपीट हो गया है कि आपके पास भी जियो का सिम है, यहाँ पे मेरा दो बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे सिंपली एक बार इसको हटाना होगा तभी वीडियो को देखने में मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप बार बार तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास भी जियो का सिम है, मैंने दो बार बोल दिया है, तो इसको किस तरह से हटाना है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो जब मैं एक बार बोलता हूँ कि अगर आपके पास भी जियो का सिम है, तो वहाँ पे सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी जियो का सिम है देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बात करने वाले हैं कि अगर आप अगर जहाँ पे बोलता हूँ वहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे मैं अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप बार बार और दूसरा बार जहां से मैं अगर बोलता हूँ वहां पे स्टॉप करके यहाँ पे स्प्लिट कर देना है।
करने के बाद यहाँ पे जो बीच में है वो कट गया है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट कर देना है। अब क्या होता है जब मैं वीडियो को चलाता हूँ, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप बार बार 200, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से वीडियो को कट किया जा सकता है। अगर और भी इनशॉट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आगे की वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं इनशॉट के बारे में और आपको जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।